फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं चित्रकूट जिले के कुछ गांव में है, जबकि ये जल जीवन मिशन योजना 2011 से यहां शुरू हो गया था, लेकिन आज भी ऐसे कुछ गांव हैं कि बस देखने के लिए टोटी लग गई है पर पानी नहीं आ रहा है। नाम के लिए तो कुछ गांव में टोटी लग गई, कुछ गांव में तो ऐसे है कि अभी टोटी भी नहीं लगा है। तो पानी की किल्लत तो उसी तरह है, तो क्या फायदा है इस तरह से पानी की व्यवस्था करवाने से? सिर्फ बजट खर्चा हुआ है, लोगों को व्यवस्था नहीं है। तो इस समय हम चन्नाड़ गांव में है, यहाँ पानी के लिए बहुत ज्यादा किल्लत है। तो यहाँ सिर्फ 3 हैंडपंप है, एक खराब है, वो भी इस समय गर्मी का सीजन है, पाइप लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो आए दिन हैंडपंप खराब हो जाते हैं। पानी के लिए इतना किल्लत है कि लोग लाइन लगा के पानी भरते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा समस्या है। तो जो जल जीवन मिशन योजना से टोटी वाला नल गांव गांव में लगा था, हर घर में टोटी वाला पानी होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये लगने से कोई फायदा नहीं, आज 4 साल से लगा है टोटी वाला नल, लेकिन आज तक का पानी नहीं आया। तो हमारे पीछे ढेर सारी महिलाएं हैं, पुरुष चलते हैं, बात करते हैं कि ये टोटी वाला नल लगने से क्या फायदा है, इस समय लोग पानी कहाँ से पी रहे हैं, जब हैंडपंप खराब हो जाते हैं तो फिर कहाँ जाती है। क्या नाम दादा आपका? हमारा बब्बू नाम। कौन सी जगह है? चंडाल की जगह है, उधर है हमारा। हमारे कितनी आबादी है यहाँ की? अरे हो 40 50 तक, पूरे टोटल आबादी 50 तक। तो जो टोटी वाला नल लगा था जल जीवन मिशन योजना से, उसकी क्या स्थिति है इस गांव? अरे हुआ तो हमारे पास के लगा नहीं है, सड़क तीजे भैया सड़क तीजे लगा है, और गांव में बीच में लगा नहीं है। हम पाँच मार रहन पियासा ने तो नलाव रहा वह न था गए, अब हम पाँच कहाँ जाये? सरकार कुछ नहीं, न प्रधान सुन रहे न सरकार सुन रहा है, पियासन मर रहे हैं, अब क्या करें? हम पाँच कहाँ जाएं? अब सरकार कुछ योजना ही नहीं दे रही कि उसको बनाए तो दे बम्बा का, प्रधान से कहन कि बना दो हमारा बम्बा, तब कहा था कि लोहा लक्कर अब तोड़ा था दौड़ दौड़ के बनवावे। बिगड़ा है आज हो गया कर महीना निचकात है। तो कहाँ से पानी आप लोग लाते हैं? अरे ये बम्बा से जो ये दुकान के लगे है दूरी जाते हैं। कितना किलोमीटर दूरी है यह? अरे हो यही पढ़ावा कर 2-3 किलो माने 4-5 बीघा दूर। अब रात बिरात हम इस समय गर्मी का सीजन है, शादी विवाह भी चल रहा है, पानी की बहुत ब्याह सब कुछ चल रहा है। अब ढूंढ ढूंढ कर कहता ना मैंने प्रधान से कहा कि हुआ मंगवा दे टंकर, कुछ नहीं मंगा हुआ टाइम। अब हम पास जो इधर उधर कह के अपन दूर से नियर से रात दिन पानी भर भर के अपन शादी ब्याह कर रहे हैं, क्या करें? तो ये जल जीवन वाला योजना लगने से क्या फायदा है गांव वालों? नहीं है फायदा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, पानी उन्हीं देते नहीं, देखा लगाने से कहा फायदा है? ये देखो यहाँ पर गड़ा हुआ है, गोड़े थी गड़ा है, और जो उन्हें कहा पानी जाए नहीं रहा, हमारे पास के कुछ अंदर घर है इधर है। मान लीजिए कभी बिल आएगा, कनेक्शन तो लोगों को हो गया, पानी मिले चाहे ना मिले, लेकिन बिल तो आएगा, फिर क्या करेंगे? अब क्या करें? अब बिल आई तो मैंने नहीं पिया था ना दे, और क्या करें? भाई पानी दे तो वही ना पैसा मिली, जब पैसा नहीं दे रहा था हम पास का भैया कहाँ पाऊ? पांच पौआ हमारे पास खेती न बाजी या देखा, एक और बिस्सा नहीं आई, मैं पथरा पार हम पास बसे भरान, एक बिस्सा जमीन नहीं आ हमारे पास के, अगल बगल सब किसान है, बीच में हम पांच बसे हैं, रोड दबाए के पी देते। तो पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी पानी छोड़ देता है? हाँ पानी छोड़ देता है, न पानी मिले ना काम कुछ मिले भैया, तो अपन बिताए रहे ना सरकार, अब जो मन हो तो उनका अब वो क्या आगे हम वैसे चुनाव के समय लोग क्या वादा करते, फिर बाद में क्या होता है? अरे चुनाव के पहले तो पहले लागत है कि हम क्या कहते सब कुछ दे दे, जगह जमीन जब गांव समाज दे दे, फिर क्या कहते जब निकल गया काम तो फिर गाँव समाज जमीन तो बहुत ही पैसे देते नहीं है, कहते हैं गांव में है नहीं है जमीन है। तो यहाँ क्या क्या विकास नहीं है इस गाँव में? अरे कुछ का विकास कहा है, कुछ विकास ही नहीं आया, ये जान लगे कोई खंती उंती मैंने खोदा तोड़ा था जब प्रधान लगा हुआ गाँव के विकास, सड़क नाली क्या है इसकी स्थिति? अरे ये कर इतनी स्थिति देख ले ना पूरा जो इतना सड़क बनी है, वो खड़ंजा बिछा के मट्टी में एक दिन बस हुई जा मट्टी भर पड़ी है, और सड़क उड़ा में कोई दम दुरासा नहीं आये, और जहाँ पानी भर रहे कंधे में हम पानी मारी थे
तो ये देखिए यहाँ की सड़क की स्थिति क्या है, ना नाली है ना सड़क है, कोई विकास भी नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? राजकली। तो क्या समस्या है? ये जल जीवन मिशन योजना वाला टोटी लगा है? कुछ नहीं लगा, हमारे भजन के बाहर के किनारे है घर, हमें कुछ नहीं है। जो इधर है लगा है तो क्या फायदा है? हाँ बताइए, लगाए गए लगाए बराबर है सर, पनिए नहीं आ रहा, पनिए नहीं आ रहा, तो कई साल लगे होगा? तीन चार साल, चार और कभी आया है? चार साल में कब तो नहीं आवा? अरे कबो कबो आवा रहा, पहले नाम नहीं आ रहा, अब कब से नहीं आ रहा? अरे अब तो ला दे बीचे ना नहीं भाई। तो पानी के लिए क्या दिक्कत है यहाँ? अब पानी के लिए यह दिक्कत मना, यहाँ खोर से है, खोर पानी भरा आवत, चाहे रात हो चाहे बिरात हो, मना ये पानी भरा आवत है, और क्या दिक्कत बताई? शादी भी आ है तो पानी तो ज्यादा ही लगता है लोग, पानी तो मना ही इतना भरा था, अब क्या करे मना, कैसे तो मना वितरण करवाई करी। कितने कुआं है? कुआं ऐठी नहीं आई, हैंडपम्प है। हाँ मान लीजिए हैंडपम्प खराब हुआ फिर? तो ये खराब हो तब कहा कि जाए, फिर जाए हुआ बफनौटी जाए, हुए है कुआं हुआ कहाँ है? तो कभी आवाज नहीं उठाई है कि ये टोटी वाला नल लगे से क्या फायदा है? अब कैसे आवाज उठावे मने, कोई आए नहीं? हाँ कोई नहीं जवाबे तो कैसे मने आवाज उठावे? कितने लोगों का कनेक्शन है? अरे ना बताओ देखकर जहाँ लगभग कितने लोगों के, कितना घर होंगे टोटल? पचास घर से कम नहीं है, हाँ यही है, तीरे तीरा लागा सड़क के, कई नहीं लागा है, कई बालन के नहीं लागा है, और कई कितने घर में नहीं लगा? अरे वही दस बारह तेरह जन से कम नहीं है, पच्चीस आदमी से कम नहीं, ओह कई ना। हाँ बोलो, आप बोलो, क्या नाम है आपका? आपको पानी दिक्कत नहीं हो? अरे होता है, बोलिए क्या दिक्कत होती पानी की? हाँ, पानी के लिए क्या दिक्कतें होती हैं? अब पानी न मिली तो मैंने पियासन मारी, हाँ तब पानी न मिली तो पियासन न मारी। ये टोटी वाला नल लगे इसका फायदा है? कुछ नहीं फायदा, सरकार अपन लग गया। हाँ ये आयरन का धारी है, लाग है भाई, कौन मतलब है भाई? कब तो पानी पियो नहीं मिला, कब तो पानी और नहीं पिया का मिलाता है, मैंने दूर नियर से तो लिया हुआ करी कई समय से, अब अपन सरकार उठा लग जाए अपन टोटी पोटी। हाँ? मान लीजिए अभी पानी नहीं आ रहा लोगों का कनेक्शन, जब बिल आएगा तो क्या करेंगे? बिल आएगा तो दे ही, बिल आई तो फिर दे ही, तो बिल आप लोग देंगी? कहे दे ही ना, जब पानी ही नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? पानी ना मिली तो कहेगा दे ही, घंटा दे ही, हाँ? अब पानी दे ही तो बिल पाई, अब पानी ना दे ही तो बिल ना पाई, तो हैंडपम्प का पानी भी चुक जाता है? चुक जाता है। फिर कितना घंटा इंतजार करना होता है? वही का घंटा दो घंटा चार घंटा लाइन लगा लगा मनी भरा था है। तो क्या क्या लेट होता है काम में जाने के लिए? अरे काम में तो हर बयान रहा तब जो लाइन लग गई तब वो भर के जाये, चाहे काम करे जाए चाहे जहाँ जाए जाये, तो मने काम धाम करे तो जाबे करी, तबेर सवेर मने जाई आई अकामई काउन है भाई। चलिए दिखाइए टोटी वाला नल कहाँ लगा है थोड़ा सा, कभी नहीं आया इसमें पानी, चलाइए उसको। अब आइए भाई आप भी बोलिए, आइए। तो भाई 12 बजे रात है, क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शंकर लाल। आप किस मोहल्ले से हैं? यहीं से हैं। हाँ हाँ, तो आपकी तरफ की क्या समस्या है? तरफ से नल गड़बड़ी है, हुआ नुकसान है, पानी की दिक्कत है, टोटी भी आई थी तो 5-6 साल के हो गया, पानी भी नहीं दे रहा है, और ये जो रोड है ये भी नहीं बन रही, आप कहे प्रधान की गांव में खरंजा भी रोड भी निकलवा देंगे, वो भी गड़बड़ है नहीं बन रही है, गांव गांव आरती होगा, देखो हमारे गांव में कुछ भी नहीं विकास हुआ, इस गांव में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। तो आप लोग पानी कहां से पीते हैं इस समय? आपके मोहल्ले के हैंडपम्प भी खराब है? खराब है, जो बगली है कम से कम 5-6 बीघा में नहीं जाना पड़ता है। कितनी लंबी लाइन होती है जब पानी की? लंबी लाइन तो यहाँ सुबह शाम के लग जाती है, कम से कम
यहाँ घर है कम से कम 50-60 आदमी है घर। भाई अब संजय से पानी का दिक्कत है, लाइन तो लग जाएगी। तो आप आवाज नहीं उठाए कि हैंड पंप बनना चाहिए, जो ये टोटी वाला नल है पानी आना चाहिए? अब मैंने आवाज उठाता हूँ, अब इसी कोई सुन नहीं रहा है। प्रधान भी है तो भी सुन नहीं रहे। बम्बा भी नशा जाता है तो टूट जाते हैं, तो कहते हैं कि हम अब काज बार बार बनवाएंगे। पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पानी तो छोड़ेगा ही। जब ज्यादा ही पुंज नशा जाता है कुछ, उसका बम्बा है, अब उसमें अब क्या करें, नशा गया था। भगवान के ज्यादा खींच है, भगवान गरीब। क्या नाम है दादा आपका? जवाहर लाल। आपके भी टोटी वाला नल लगा है? यहाँ पर लगा रहा है। पानी आवत है? नहीं आवत। कब से नहीं आवत? अरे 2-3 महीना है। हाँ, कब लगा है? अरे बहुत दिन हो गया। बहुत दिन है, कितना? 4-5 साल। हाँ, कितने साल हो गए दादा? 4-5 साल हो गए। तो फिर कितने दिन आवा है पानी? अब आवते नहीं है। तो ये टोटी वाला नल लगे से क्या फायदा है? इसमें कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है? सरकार कहले तो योजना बनाई रही कि लोगन का पानी गांव को मिले। हाँ, और क्या। तो क्या स्थिति है गांव में? बिल नहीं जमा करते, पानी नहीं आवत। पानी देते नहीं, का पानी देते नहीं आए थे इसे? कहाँ पानी आता? देखते था न रोड बना, न कुछ बनाता, कुछ विकास हो नहीं है। कुछ नहीं है। ये देखिए इधर ही नल भी इधर नहीं है। अबे कहले जान ले के लिए गांव है, कहते वो तीरे तीरे लगा, बाकी केहू के नहीं है। देखा था भजन जो जान से कलोनी नहीं आज मारा इधर है। यह कहते गांव का है, वो कहते कम है। हां ही कहते हैं। ये सड़क बनने का नहीं है। तो ये कहीं नल नहीं लगा? कौन न टोटी वाला न चलावाइन वाला कौन नहीं है? नहीं, कहीं कुछ नहीं लगा। वह तीरे तीरे लगा है रोड पे, बाकी सब वैसे पड़ा है। ये हम पापा अपने छोड़े हैं जगह की घर रोड बनाए खेती, कोई रोड का समस्या नहीं। हम 5 महीने बिटिया लग जाए तो वहाँ सड़क पर बैठा है। अब हम सगा ले हम गांव में गांव है पूरा गया यही पार हूँ पार ना। ऐसा सरकार इतना कॉलोनी दे दे तो कॉलोनी बन गया, नहीं तो घर द्वार कमरे पास के नहीं रहा। इतना रेट हम पास बना ले। तो यही पे अपना लाइफ समाप्त करती हैं। देखिए एक तरह से तो योजना चली है कि गांव में पानी मिलेगा, लोगों की समस्या दूर होगी, लेकिन जल जीवन मिशन योजना से जो टोटी वाला घर नल जल योजना लगा है उससे कोई फायदा नहीं है लोगों को। और इस गांव में कोई भी विकास नहीं है, ना नाली बना है, ना खड़ंजा बना है। 4 दिन में बारिश होने वाली है तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसे कीचड़ से कांदों से निकलेंगे। तो यहाँ जब चुनाव होता है तो लोग हाँ बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि इस बार विकास करवा देंगे, इस बार विकास करवा, लेकिन बाद में कोई झांकने तक नहीं आता है। तो देखिए किस तरह से जल जीवन मिशन योजना वाला जो नल जल योजना है वो कैसी स्थिति है कि बस लोगों के कनेक्शन हो गया, सामने मुहारे के सामने टोटी लगा दिए, वो पानी कभी नहीं आया। 4 साल बीत गया है लेकिन पानी कभी नहीं आता। तो इस तरह से ये योजना चलाने से क्या फायदा? लोगों को यही कहना कि इसको उखाड़ ले जाएं, क्या फायदा है यहाँ लगाने से? तो गांव में देखा जाए तो इस तरह की स्थिति है। कागज में तो पूरा है
कि हर जगह नल जल योजना पूरा हो गया है, पानी जा रहा है, लेकिन जब गांव में घुस के देखा जाए तो क्या स्थिति है। तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं, अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे।